हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 65th बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के बारे में, साथ ही डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा इसकी कट ऑफ। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग 65th बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आज ही जारी करने वाला था, लेकिन आज किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ सका। और कहा जा रहा था कि देर रात तक रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन आज रिज़ल्ट नहीं आ सका है। देखिए कल तक रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा, जैसा कि इसमें भी आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2020 अब शुक्रवार को जारी होगा, यानी कि कल बीपीएससी 65th यानी 65वीं पीटी का रिज़ल्ट, तो अब शुक्रवार को जारी होगा 65वीं पीटी का रिज़ल्ट। तो इंतज़ार अब बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, और जो है तो अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, कल जो है रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और साथ ही बात कर लें अगर कट ऑफ की, कितने अंक तक लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, तो आपको बता दूं मैं कि लगभग, अगर वॉइस में जनरल की बात कर रही हूँ, जनरल में मेल कट ऑफ 95 तक अगर जिसका भी है तो वो सिलेक्शन के काफ़ी करीब है, या कह सकते हैं सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो 95 तक मेरिट जा सकती है, 95 ही मानिए एक नंबर, एक या दो नंबर माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो 95 आप मान कर चलिए 95 के आसपास ही रहेगी, आप एक या दो नंबर ज़्यादा या एक या दो नंबर कम, इससे ज़्यादा नहीं, 96 या फिर 93-4 या फिर 96 तक बस। तो 93 से 96 तक आप मेरिट इसी के बीच रहेगी। साथ ही अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में कम से कम 8-9 नंबर का अंतर रहेगा, तो आप मान सकते हैं 85 से 86 तक, तो फीमेल में 86 तक मानिए और बॉयज़ में 95 तक मानिए, 95 या 96 तक। तो इसी के बीच अगर जो लोग हैं तो बस मेंस की तैयारी करते रहिए, मैं कल तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा फ़िलहाल तो, और जो है उनके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं, रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आए, सभी को मेंस देने का मौका मिले, जिसने भी जिसने मेहनत की है, जिसका भी 96 और 95 के आसपास है, वो लोग तैयार रहें रिज़ल्ट देखने के लिए, उनका ज़रूर होगा। और आपको बता दें कि अगर जिसका नहीं भी हो सकेगा, नहीं हो पाया है किसी तरीके से, तो वो अपना 66th के लिए लग जाएं, क्योंकि 66वीं पीटी का एग्ज़ाम भी अब हो ही जाएगा, कैलेंडर आ ही चुका है। तो आप लोग पूरी अच्छी रणनीति के साथ जुट जाइए, क्योंकि जो है और मतलब इलेक्शन टाइम है, तो बहुत अच्छे से मतलब तैयारी में लग जाइए। ये 66वीं का भी पीटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें अपना टाइम पूरा लगा दीजिए, जी जान से जुट जाइए। तो मौका है अभी नेक्स्ट भी, चलिए इसमें हो जाए, नहीं तो अगला तो है ही। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय।